चाय लेके बैठ जाऊँ चलेगा? स्पेक्स का हाइलेशन आ रहा है क्या? तो निकाल दूं? अविनाश, सबसे पहला सवाल यही है, कैसी रही आपकी जर्नी? हमने देखा तीन अविनाश को वहां पे, जहां पे पहला अविनाश थोड़ा एग्रेसिव था, दूसरा अविनाश थोड़ा सा रोमांटिक था, और तीसरा अविनाश एक्चुअल गेम में फोकस था। तो एक्चुअल अविनाश कौन सा था? यार मेरे लिए तो तीनों अविनाश ही थे, और वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे उस गेम के, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस आ रहे थे मेरे सामने, तो उस पर मेरे रिएक्शंस वैसे निकल रहे थे। पहले दो हफ्ते में तो मुझे जनता कहा गया, तो वो टैग मिला, तो वो उसके बाद जब उससे उभरा तो मुझे फैंसिटर कहा गया, फिर उससे उभरा तो फिर जाके ऐसा मैंने सुना अंदर, पूजा जी ने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारा प्रोग्रेस दिख रहा है, गेम में तुम्हारा प्रोग्रेस बिल्कुल ऐसा है। तो जब ऐसा प्रोग्रेस जैसी चीज़ें सामने आई, तो जैसा कि आपने कहा कि पहले मैं लड़ाकू था, और दूसरा मैं रोमांटिक था, और तीसरा मैं गेम चेंजर अभी बाहर निकला हूँ, तो वो भी एक मैंने टैग सुना है। तो जो भी है वो मेरी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है, और वो मैंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। अगर आप ये तीन अविनाश को देखें तो तीनों अविनाश मेरा ही हिस्सा थे। मैं किसी से नकारूंगा नहीं, और ना नहीं बोलूंगा कि नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगा। डेफिनेटली यस, मैं जैसा दिखा हूँ वो मैं हूँ। आपके पिताजी ने आपको रिमोट से रिलेटेड कुछ सिखाया, तो हम जानना चाहेंगे। मुझे पता था यही पूछेगा। हम तो ज्ञान व्यान साइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो ना, मेरे डैड ने मुझे ऐसा कहा था कि अपना रिमोट कंट्रोल ना अपने हाथ में होना चाहिए, और ये चीज़ तो मतलब मेरा रामबाण बन गई थी बिग बॉस के घर में, कि भाई अपना रिमोट कंट्रोल अगर अपने पास रख लिया तो सामने वाले के हाथ में अगर नहीं लगा तो मेरे को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाहे वो मुझे कितना भी पोक क्यों ना कर ले, कोई भी आके जो भी बोलना है बोल। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं सीखी है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा, चाहे मुझे लोगों ने कितना भी पोक किया, उन्हें उसी वक्त मेरा रिएक्शन चाहिए और मैंने नहीं दिया। वो चाहते थे मैं उसी वक्त लड़ूं, मैं नहीं लड़ा, और जितना मुझे बोल के जाना था मैं बोल के निकल गया। क्योंकि उस रिमोट कंट्रोल का बेसिक ये है कि किसी के और के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल चले जाएगा तो सामने वाला चैनल चेंज करेगा, सामने वाला वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर मेरे चैनल स्विच होंगे, फिर वो अविनाश दिखूंगा मैं जो मैं हूँ नहीं। तो वो मुझे नहीं दिखना, अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल ना अपने पास होना चाहिए बस। अविनाश, जिस मोमेंट पे एलिश की एंट्री हुई थी घर में, उस मोमेंट पे आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो आपका कंट्रोल रिमोट कंट्रोल है, कहीं ना कहीं आप उससे बाहर जा रहे थे, या फिर वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ रहा था? बिकॉज यू आर रिएक्टिंग एज सच, जो कि वो रिएक्शंस काफी ज्यादा हो रहे थे। नहीं नहीं, एलिश के मैंने एंट्री पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, मैं तो उसके साथ एक बिल्कुल नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह था। वो पोक करता गया, मैं रिएक्ट नहीं किया। मैंने काफी कुछ सुनना, मेरा घड़ा भरने के बाद मैंने रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था तब, क्योंकि पहले वो सिर्फ मुझसे एक रिएक्शन चाह रहा था जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसे देने के लिए, और मैंने तब जाके रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था, और मैंने खुद का चैनल बदला, और वो चैनल जो बदलने का नाम दिया था वो कृष्णा ने दिया था कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है, अब जे लो। अविनाश, हमने देखा आपने किस तरीके से फर्स्ट वीक में ही फलक के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी, लेकिन फलक के साथ बैठकर आपने कुछ नेम कॉलिंग दी थी, जैसे कि आपने अभिषेक और फलक, आप लोग बात कर रहे थे तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय, हाँ फलक ने बोला है, और साथ ही साथ आपने बोला गे नहीं, जनानी जनानी है वो, अच्छा वैसे ओके, हाँ उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो वो जनानी शब्द मैंने दिया था जी, श्योर ना? क्योंकि मैं उस पर कमेंट करूँ फिर, हाँ फलक ने भी बोला, हाँ क्योंकि उसकी हरकतें उस तरीके की लगी मुझे कि वो उस तरीके के हरकतें कर रहा है घर के अंदर, जो मुझे वैसा नाम देने के लिए मैंने सोचा होगा। और उस घर में लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि मुझे एक्चुअली पूछना पड़ रहा है आपसे कि मैंने ही बोला था ना फॉर श्योर, क्योंकि फिर मैं उस पर कमेंट कर सकूँ पूरी उसके साथ, क्योंकि जो मैंने बोला है आई लिव अप टू दैट। तो वो अभिषेक के रिएक्शन और उसके बिहेवियर के वजह से ही मुझे ऐसा लगा था, बट वो मैं टैग एक्चुअली एक ही बार यूज़ किया होगा मैंने, उसके बाद वो हट गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे चौथे या पाँचवें हफ्ते से तो मेरे दिमाग में एक किडो नाम का मैंने टैग दे दिया था उसे कि ही इज़ अ किड फॉर मी, अ इमेच्योर किड जी।
लेकिन लास्ट राशन वाले टास्क के बाद मनीषा ने कहा कि अविनाश तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए रहता है, तो इस बारे में क्या कहना है? मैडम मुझे 18 साल में 11 शो करके बहुत फुटेज मिली है, मुझे फुटेज के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा वो एम है। अविनाश ये भी जानना चाहेंगे जब पनिशमेंट मिली थी बेबिका को और मनीषा को, उसके बाद जब राशन का टास्क हुआ था, प्रीमियम राशन वाला टास्क हुआ था, आपने नहीं किया था जिस वजह से इन्हें राशन नहीं मिला था, और आपका कहना था कि ये लोग क्या खाना खाना राशन करते रहते, हमने इतने सारे सीजन देखे सिर्फ और सिर्फ राशन की वजह से ही फाइट हुई है, लेकिन एक आप एक ऐसे लौते हो जो सिर्फ राशन के लिए बोलते हो कि क्या राशन, क्या कहना है इसके ऊपर आपका? और आपका ये कहना कि खाने के लिए आए हो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गलत है? नहीं, क्योंकि खाना तो बेसिक नीड है जो सबको चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। पहले सबसे पहले तो मुझे लग रहा था यार मैंने उसके रास्ते में कांटे तो डाल दिए वीकेंड के वार पे, पर अब कांटे डालने का मौका ही नहीं मिला, कोई टास्क हुआ ही नहीं, सीधा फैमिली आने लगी अंदर, सब इमोशनल हो गए एक दूसरे को, पेरेंट्स को देख के, और सब हवा में चला गया। तो मैं कब कांटा बनूं, जब वो सो रहा है तब? क्योंकि टास्क के अलावा तो सोता ही था मेरे हिसाब से, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कब कांटा बनूंगा। और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी, बोला यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, तो मैं उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनूं? और एक दिन पहले ही जब उसने मुझे वो OTT वाले जोन में जहां उनकी मंडली बैठती थी वहां बैठ के मुझे बात कर रहा था, तो मेरी ही लाइन थी जो मैंने उसे कही थी, मतलब अभिषेक तू कैप्टन है, स्ट्रेस तेरा है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को आके सिर्फ तेरे को पोक करना है और तू नाचेगा। मैंने उसे पहले ही बता दिया था एक दिन पहले कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या कर सकता हूँ, जो अभिषेक ने शायद मेरी हिंट नहीं सुनी, और मैंने नेक्स्ट डे से उसे पोक करना मेरा इंटेंशन था। और दूसरा इंटेंशन ये था कि मैंने देखा बेबिका का मन नहीं मान रहा था जो उसने बोला, वो अग्री नहीं कर रही थी, तो क्यों कर रही है, कपड़े क्यों धो रही है? तो उसका रीज़न ये था कि नहीं मेरे पापा मुझे समझा के गए मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, मैं करूंगी जो करना है। मैं ठीक है भाई, अब तेरी सोच वैसी है, फीलिंग कुछ और है, दोनों कन्फ्यूज हैं, ठीक है कर। मनीषा उसकी दोस्त है, वो उसके अगेंस्ट जाएगी नहीं, तो उसने कर लिया। रही बात मेरी, तो कोई तो मजे ले, कोई तो मना करे। मैं सोच रहा था कि ये टास्क दिया क्यों गया है, क्या ऑडियंस ये देखना चाहती है कि बेबी का कपड़े कैसे धोती है? नहीं। क्या वो ये देखना चाहते हैं कि मनीषा शू पॉलिश कर पाती है या नहीं? नहीं। तो इस टास्क का मकसद क्या था, कि पनिशमेंट दो और सब ले लें और घर चले जाएं? मेरे हिसाब से नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इस टास्क का मकसद कुछ और है। वो अगर कैप्टन बन के पनिशमेंट दे रहा है तो हमारे हाथ में, हमने पनिशमेंट लेनी है नहीं लेनी है, रिवोल्ट करना है नहीं करना है, एंटरटेनमेंट मुझे उस टास्क में मिसिंग लग रहा था। तो मैंने सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा बेटा देख तेरे पे आएगी, सब तेरे से लड़ेंगे, राशन मिलेगा नहीं, मतलब ओके मेरे लिए राशन से ज़्यादा दाल चावल खा के मैं एक हफ्ता बिता दूंगा, पर मेरे लिए एंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑडियंस को देना चाहिए वो मेरा काम है एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 18 ईयर्स। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जो कुछ भी होगा मैं तो ये उठाऊंगा ही उठाऊंगा, भले मेरे को कितनी भी गालियां पड़े। अगर मैं अगेंस्ट कर देता हूँ, बिग बॉस बोल देते हैं कि अभिषेक आपके हाथ में, अगर आपको किसी को जेल भेजना है तो भेज सकते हैं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार था। बट इवेंचुअली इट केम डाउन टू राशन, और राशन में उससे पहले आपने देखा होगा बीबी वर्स के अंदर हमने अंडे लिए थे, तो कॉफ़ी और दही तो वैसे भी नहीं आनी थी, तो बचा क्या, ब्रेड बटर और चिकन। चिकन अभिषेक खुद खाता नहीं है, बचा ब्रेड बटर और सबके लिए अंडे, सिर्फ ये तीन चीज़ नहीं आई है। और हम वहाँ हॉलीडे पे नहीं गए हैं, मेरा ये कहना था कि हमें खाना तो मिल ही रहा है, बिग बॉस वाले हमें भूखा थोड़ी मारेंगे, हम कुछ ना कुछ खा के पेट भर के ही जी लेंगे। बट उनका ये कहना था कि उन्हें कॉफ़ी चाहिए थी, उन्हें बटर चाहिए था, मुझे ब्रेड चाहिए थी। तो मेरा ये कहना था कि भाई क्या राशन 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 लगा के रखा है, कभी दाल चावल नहीं खाए हैं क्या 8 दिन तक? दैट वॉज द टॉपिक। अविनाश, हमने देखा जिस तरीके से अभिषेक को आपने पहले कैप्टनसी से आउट किया था और जिया को कैप्टन बनाया था, तो कहीं ना कहीं अभिषेक उससे चिढ़ गया था, और ये एक पैटर्न देखा गया है कि अभिषेक को हार बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं रिवेंज मोड लेता है। डू यू फील द सेम? बिकॉज़ ऐसा जनता हमने ये ऑब्जर्व किया है। यस, ये मैंने सलमान सर को भी बोला था जब वो अभिषेक और मैं एक दूसरे को एडजेक्टिव्स दे रहे थे कि इसमें ये है इसमें वो है, तब मैंने सलमान सर को बोला था कि सर इसमें ना बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे वो सत्ता से हटाया था कैप्टनसी की, मुझे उसके अंदर ना उसका चेहरा एकदम, एक बच्चे का चेहरा होता है ना उसके हाथ से अगर खिलौना छीन लिया जाए तो कैसा चेहरा हो जाता है, उसका चेहरा वैसा हो गया था। और उससे सडनली मुझे एक जेलसी फैक्टर देख रहा था कि अविनाश ने एक पैक, क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि बजर मेरे सिवा तो अलावा कोई बजा ही नहीं पाएगा, और एक्चुअली वैसा हो रहा था क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, उसके हाथ पैर लंबे हैं, और वो इतना ही करे तो बजर दब जा रहा था। मैं थोड़े ही इंच कम हूँ उससे, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैंने अभिषेक को ये मुँह पर बोला, मैंने भाई हाइट तेरी ज़्यादा, हाथ पैर तेरे लंबे, कॉन्फिडेंस तेरा ज़्यादा। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो अभिषेक के पास नहीं है, और मेरे जहन ने मुझे एक ही जवाब दिया, फोकस।
और मैं उसी पे लगा हुआ था फोकस, तभी वो तीन बार बजर मैं दबा पाया और उसके बाद मैंने अभिषेक को निकाला, मनीषा को निकाला और जिया को बनाया. सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू दैट. और जिया को मैं कहीं ना कहीं ये प्रूव करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेशन की वजह से या ये रियलिटी शो की वजह से कि मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं निभाऊंगा. मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था, वंस आई एम ऑल इन, आई एम ऑलवेज ऑल इन. जिया की बात करें तो पहली बार जब आपने उसको नॉमिनेट किया था तभी उसे पैनिक अटैक आया था. उसके बाद आपने उसकी भरपाई करी कैप्टन बनाकर, उसके बाद आपने उसको फाइनलिस्ट भी बनाने की कोशिश करी. नहीं, उसके बाद उसने भरपाई दूसरी बार करी मेरे को वापस नॉमिनेट कर. हाँ, तो वही कह रहा था जो एंड ऑफ द मोमेंट उसने जो नॉमिनेट किया, दो दो जन को जब बुलाकर नॉमिनेट करवा रहे थे, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि इतनी कंफ्यूज है जिया, क्या जिया सिर्फ अब सेल्फिश बन गई है अंदर? इस पे एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं जिया के ही. अभिया एक ऐसा हैशटैग जो सामने आया है, यूजुअली नहीं बोला जाता है जो बाहर चल रहा होता है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक हिंट दिया गया कि एक चल रहा है. उसके बाद से हमने देखा कि जिया कंटिन्यूसली अभिषेक के साथ इन्वॉल्व हो रही है, आपको नॉमिनेट कर रही है या फिर आपके खिलाफ जा रही है, चीजें कर रही है, उस चीज को लेकर क्या कहना है? यार, जिया ने जो कुछ भी किया वो उसकी सोच थी, वो उसकी पर्सनैलिटी थी, वो सोच उसके दिमाग से आई, किसी ने उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो जो आया उसके जहन के अंदर से आया ना. But do you feel betrayed? एक मिनट, एक सेकंड. तो जो भी आया उसके अंदर से आया, वो जिया की सोच थी. अगर किसी और के कहने से करती तो मैं बोलता कि इन्फ्लुएंस हो गई, बट नहीं, जो कुछ भी सोचा वो उसने खुद सोचा. मेरा ये सोचना है कि मैं ऐसा सोचता ही नहीं और सोच पाता भी नहीं, और अगर वैसा सोच के अगर मैं ट्रॉफी जीत भी लूँ तो मेरे लिए वो ट्रॉफी ट्रॉफी नहीं होती, क्योंकि वो मैं रियल नहीं हूँ. वो फिर एक तो स्लाई गेम हो गई ना कि चलो ठीक है, ओके, इस गेम में ऐसा करते हैं. बट ये भी अगर देखा जाए, उसने मेरे मुँह पर एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसे सेल्फिश मोड ऑन करना था और उसे अपने बारे में सोचना चाहती थी. तो ये जिया की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मैं ये बोल रहा हूँ. सेल्फिश मोड ऑन करना जिया की पर्सनैलिटी का हिस्सा है. तो अगर वैसी वो सच्चाई है उसके बारे में, तो जिया वैसी है. और कहीं ना कहीं मुझे ही क्लैरिटी मिली कि जिया ऐसा कर सकती है, कि उसके अंदर एक पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा भी है. तो इवेंचुअली आई गॉट टू नो द क्लैरिटी. बिट्रेयल फ्री फील नहीं मैं बोलूँगा, बिट्रेयल इज़ अ वेरी बिग वर्ड. नॉमिनेशन तो मेरे 7 हफ्ते में से 5 हफ्ते हुए. मैं तो ऐसे ही लगता था मैं LOC पे चल रहा हूँ कि कब बम फट जाएगा पता नहीं चलेगा, और हर हफ्ते कोई ना कोई बम फटता ही था. पहले 3 हफ्ते तो कहाँ कहाँ से बम फट रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था. सो वॉकिंग ऑन दी LOC, आई रीच्ड 7th week एंड आई डोंट फील इट वॉज अ बिट्रेयल. नॉमिनेट तो मैं ऐसे नहीं, तो वैसे ही मुझे लग ही रहा था. रही बात जिया बचा सकती थी, वो डेफिनेटली था एक ऑप्शन, बट उसने नहीं बचाया. अब वो उसका कॉल है. अभिषेक की दोस्ती की एक बात करी जाए तो मनीषा ने उसको हर वक्त सपोर्ट किया, हमने देखा उसके सुख दुख, उसके नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर वक्त. लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने मनीषा को भी अगर देखा जाए तो नॉमिनेशन से नहीं बचाया है, साथ ही साथ कैप्टनसी से भी कई बार उसको निकाला है. जब फलक ने फोटो दी थी उस वक्त उसको नॉमिनेट कर दिया था, और साथ ही साथ उसने एल्विश को लेकर भी ये बात बोली कि तेरी नेगेटिविटी आ रही है और तेरा नेगेटिव PR बाहर से चल रहा है. क्या अभिषेक दोस्ती सिर्फ गेम के पर्पज से कर रहा है अंदर, या फिर वो वाकई में है उनका? नहीं, वो एक चीज़ मुझे अभिषेक की बहुत अच्छी लगती है कि उसने अपनी दोस्ती को, यार उस घर में ना अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना करो, ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ है. तो ये अभिषेक की एक अच्छी चीज़ है कि उसने अपनी और मनीषा की बॉन्ड को एक अलग जगह दी है. और अगर उस गेम में अगर आप एक दूसरे को नॉमिनेट भी कर लो तो इसका मतलब नहीं है कि आप दोस्त नहीं हो और आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ. तो वो एक चीज़ अलग है, उसको अलग रखो. दोस्ती एक अलग चीज़ है, उसको अलग रखो. वो उसने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की है. रही बात अभिषेक के इंटेंशंस की, तो उस पर मुझे तब शक आता है जब वो एल्विश के पीछे ऐसा बोलता है अपनी मॉम को कि वाइल्ड कार्ड तो जीत नहीं सकता. अरे भाई, तेरा ही दोस्त है, क्यों ऐसा बोल रहा है? तो मेरे को उसके इंटेंशंस पे शक होता है. तभी मैंने एल्विश को बोला कि ये इंटेंशन कैसे अच्छा हो सकता है, मतलब कौन से एंगल से मैं अच्छा सोचूं? अब 3 पर्सपेक्टिव थे, तेरा खुद का पर्सपेक्टिव एज अ फ्रेंड, मेरा पर्सपेक्टिव एज अ कंटेस्टेंट, और तीसरा पर्सपेक्टिव आप सब लोगों का एज एन ऑडियंस. तो तीनों पर्सपेक्टिव से मैं किस पर्सपेक्टिव से उस इंटेंशन को गुड कैसे सोच सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया. वो तू दोस्त है, तू इमोशनल फूल बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था. उसमें कोई गुड इंटेंशन तो था नहीं. सो लास्ट क्वेश्चन, आपने फलक को अंदर प्रपोज किया है और आई लाइक यू. नहीं, कोई प्रपोज नहीं बोलते उसको. प्रपोज वपोज मत बोलो, अपनी फीलिंग्स आई कि बट
कहीं ना कहीं बाहर आपका उन्हीं की सिस्टर के साथ 6 months का कुछ रिलेशनशिप था शफक के साथ, तो क्या कहना चाहोगे ये जर्नी को आप कैसे यू नो कैरी ऑन करोगे अगर फलक को इस चीज में नाज हो यू नो वो हो तकलीफ होगी एतराज हो कि यू नो शफक के साथ ऑलरेडी आप थे। पहली बात तो शफक और मेरे बीच में कुछ था नहीं, ये चीज़ अब क्यों आ रही है कहाँ से आ रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही मुझे आइडिया चाहिए क्योंकि वो बेतुकी है। मैं और शफक एक टेली फिल्म में साथ में थे जो स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुई थी, 10 या 12 टेली फिल्म बनी थी, उसके लिए हमारा 20-25 दिन का आउटडोर था महाबलेश्वर में और हमारी टेली फिल्म की सबसे ज़्यादा TRP आई थी। वो एक रोमांटिक टेली फिल्म थी, वो एक बहुत अच्छा शूट था, वो आज भी मैं मिस करता हूँ, इतना अच्छा शूट था वो। और वो सब साथ में ही रह रहे थे, तो उस वक्त समीर शर्मा भी मेरे साथ उसी शो में था जो अब नहीं रहे, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया था कास्ट के बीच में, डायरेक्टर से लेके पूरे टास्क जो बैक ऑफ द कैमरा जितने भी टेक्नीशियंस थे, क्योंकि हम सब साथ में रहते थे। तो उस वक्त का ही ये दौर है और वो चीज़ अब क्यों आ रही है 11 साल बाद कहाँ से आ रही है क्यों आ रही है और उसे तवज्जो क्यों दिया जा रहा है मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ कम्प्लीट सरप्राइज फॉर मी। फलक ने भी मुझसे ये कल पूछा तो फलक को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, तो वी हैव नो आइडिया। और फलक को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने बोला क्योंकि वो सही है ही नहीं, और मुझे भी कोई फर्क नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सही है ही नहीं। ओके लास्ट क्वेश्चन, हु इज एल्विस फॉर यू? बोले सा बंदा आपके लिए एल्विश? हर एल्विश गेम में कुछ और था, घर में जाते जाते कुछ और नजर आया, उसका हग टच कर गया मेरे को, उसने जब एंड में हग किया ना तो वो बहुत ही जेन्यून था क्योंकि मैंने कोशिश की उसे समझने की, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले उसे समझने की, जबकि वो तो मुझे गालियाँ दे रहा था और वो मुझे गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रही वो बोल क्या रहा है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अविनाश ने तो कोशिश ही नहीं की समझने की एल्विश को। तो मैंने जब उससे समझने की कोशिश की तो मुझे उसका रियल साइड दिखा कि वो एक समझदार बंदा है, अगर उसे 2 मिनट बैठ के अगर कुछ समझाओ ना प्यार से, भले आप अगर उसे हक जमाना चाहो ना तो हक जमाने देता है क्योंकि वो ऐसा इंसान है, वो एक नाइव इंसान है जो 24-25 साल का है और वो उसमें समझदारी है, उसमें ज़्यादा गहराई है, वो समझता भी है और समझाता भी है और सिचुएशन भी समझ लेता है, पर उसने एक्सेप्ट किया उसमें एंगर इशू है कि उसका 2 सेकंड में गुस्सा ऐसे जाता है पर वो 2 घंटे में वापस ठंडा हो जाता है, ये चीज़ उसी ने खुद एक्सेप्ट किया और मुझे उसके लिए उसने सॉरी बोला है, विच आई टुक इट ग्रेसफुली, और मेरे लिए अपने दिमाग में जहन में उसके लिए कुछ भी ग्रजेस नहीं है, जो उसने किया वो उसकी पर्सनालिटी थी, अगेन जिस तरीके से मैंने संभाला उस सिचुएशन को वो मेरी पर्सनालिटी थी। सो क्या एल्विश के कंधे पे कोई और बंदूक रख के चला रहे जिसे कोई और हक जमा रहा है उसके ऊपर? एल्विश पे मुझे नहीं लगता एल्विश किसी को हक जमाने देगा, बट एल्विश कहीं ना मैंने महसूस किया है कि जब वो मनीषा और अभिषेक के साथ होता है तो अब मैं उसे पीयर प्रेशर बोलूं या कम्युनिटी प्रेशर बोलूं कि अभिषेक अपने आप को एक तौर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे भी इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो मेरे फोटा है, मनीषा अपने तरीके को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर रही है तो मेरा फोटे क्या है, मैं हरियाणवी हूँ तो मुझे इस तरीके से अपने आप को दिखाना चाहिए, तो क्या वो पीयर प्रेशर में आके कम्युनिटी प्रेशर में आके अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आता क्योंकि जब उसके साथ 1-to-1 एज अ मैन टू मैन पर्सनली बैठो तो वो बहुत ही समझदार इंसान है, पर वो समझदारी जाती कब है? जब उनके साथ होता है, जब झुंड में बात करो तो उतनी समझदारी नहीं दिखती है, जब पर्सनली बात करो तो भाई बोलता है यार आप थप्पड़ मार लो यार प्लीज अब कर लो यार, तो वो ऐसा वाला है वो। थैंक यू सो मच।